दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों हफ्ते की बात में हम तीन चार ऐसी कथाओं पर, ऐसी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सारे लोगों को नहीं दिखती हैं, लेकिन दरअसल उनके अंदर इस वक्त जो देश में हो रहा है उसके बहुत सारे ऐसे मसले उसमें जुड़े हुए हैं जो हमारी सियासत, समाज और हमारी जनता सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहली बात है कोरोना के इस दौर में कि दुनिया में बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, अपने देश के जो बहुत सारे स्वास्थ्य विज्ञानी हैं, बहुत सारे रिटायर्ड ऐसे अफसर हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं, इनमें से सभी का कहना है, बहुत सारे लोगों का जो एक क्रिटिकल व्यू देखते हैं या रखते हैं मौजूदा जो नीतिगत फैसले हो रहे हैं कोरोना से फाइट करने को लेकर, जिस तरह की चीजें नियोजित की जा रही हैं उसको लेकर, कि हमारी सरकार भारत की कई बार ऐसा होता है कि वो अनाउंसमेंट कर देती है लेकिन योजनाएं नहीं बनाती। अमेरिका की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है जो इन दिनों खास चर्चा में है, खासकर कोरोना के दौर में, क्योंकि कोरोना को लेकर बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं, वो है हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। इसके एक प्रोफेसर हैं स्टीव हैंकी। प्रोफेसर स्टीव हैंकी जो हैं ये भी कहते हैं कि भारत में जो मौजूदा सरकार है उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि अनाउंसमेंट कर देती है लेकिन योजनाएं और उन योजनाओं के पालन करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनकी व्यवस्था नहीं की जाती। अपने देश में जो टेस्टिंग किट है उसको लेकर जो इस वक्त समस्या सामने आ रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स जहां रैपिड टेस्टिंग के किट गए थे उन्होंने लौटा दिए, अब वो फिर जहां से मंगाए गए थे उस देश को लौटाए जा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन साहब ने भी इस तरह का बयान दिया है। एक दूसरी खबर हमारे यहां आ रही है तमाम मीडिया सर्किल में कि भई अपने देश में जो युवा वैज्ञानिक है, चाहे वो IIT के हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे विज्ञानी संस्थान के हों, वो 500 रुपए से लेकर 800 रुपए में या 1000 रुपए में किट जो है मुहैया कराने के लिए तैयार है, या इस तरह के इतने कम खर्च पर वो टेस्टिंग किट जो है ईजाद कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या मेक इन इंडिया की बात करने वाली हमारी सरकार अपने देश में अगर कारगर ढंग से किट वाकई तैयार हुए हैं, वो रिलायबल हैं, वो रैपिड जो टेस्टिंग का किट आया था उसकी तरह हमको निराश करने वाले नहीं हैं, तो इन सस्ते दर पर उपलब्ध हो सकने वाले जो टेस्टिंग किट है उसका ट्रायल या उसकी विश्वसनीयता को लेकर क्यों नहीं सीधे कार्रवाई करती है और उसको तत्काल उपलब्ध कराती है? क्योंकि 4500 रुपए में जो टेस्टिंग हो रही है उसके मुकाबले ये तो हार्डली 1000 रुपए तक जाएगा, तो उस पर सरकार ने अगर काम किया होता तो शायद हमारी ये समस्या ना पैदा होती जो टेस्टिंग किट को लेकर इतने सारे राज्यों में हायतुबा मचा हुआ है। इस वक्त दुनिया में बताया जाता है कि बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क भी जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, हमारी तरह जो बड़ी आबादी वाले देश नहीं है, हमारी तरह जिनके पास GDP इतना बड़ा नहीं है, वो देश भी हमसे ज्यादा टेस्टिंग करा रहे हैं। टेस्टिंग के मामले में हम बहुत पिछड़ चुके हैं। 10 लाख लोगों पर हमारा जो टेस्टिंग का जो टेस्टिंग कराने का जो दर है वो WHO की जो मौजूदा जो श्रेणी है उसमें हम बहुत पीछे हैं। डेवलपिंग नेशंस की बात छोड़िए, जो बैकवर्ड कंट्रीज बहुत सारे हैं, पिछड़े जो मुल्क हैं, हम उनसे भी पिछड़ गए हैं। और ये मुझे लगता है कोरोना से हमारी फाइट को, हमारे देश की जो कह रहे हैं कि हमारी कोरोना से जो लड़ाई है, निश्चित रूप से उसको कमजोर कर रहा है। और दूसरा ये कि इसमें एक और पहलू सामने आ रहा है कि चूंकि लंबे समय तक हमारे टेलीविजन चैनलों के जरिए, और जाहिर है सियासत का भी उसको काफी समर्थन था, उसके जरिए नफरत का जो माहौल पूरे देश में तैयार किया गया उसका परिणाम, उसका दुष्परिणाम आज समाज के हर तबके को झेलना पड़ रहा है, चाहे वो गरीब तबके के लोग हों, चाहे वो निम्न मध्यवर्गीय हों। अभी थाने में एक घटना आई है सामने, वो महाराष्ट्र का थाने जिला जो है, वहां पर एक जगह है कल्याण, बहुत मशहूर इलाका है मुंबई का, और उस इलाके में
गणेश गुप्ता नाम के एक सज्जन कुछ खरीदारी करने गए, उनको बाजार में खांसी आ गई और जैसे ही उन्होंने खांसा, कुछ लोगों ने उनकी खांसी को देखकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया और कई लोगों ने कहना शुरू किया कोरोना कोरोना कोरोना। तो कोरोना कहकर लोग उन पर अटैक कर गए और अटैक किया, वो भागने लगे। भाग बताया जाता है, जो खबरें आ रही हैं अखबारों में या मीडिया में, कि वो भागे और एक नाले के पास जाकर वो, और धक्का किसी ने दिया या वो स्वयं बदहवासी में वो गिर गए और उनकी मौत हो गई। इस तरह की घटना सामने आ रही है बहुत सारी जगहों पर। मजहब देखकर, जाति देखकर, बिरादरी देखकर नफरत का ये जो लावा है वो और गर्मा रहा है और फूट रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों, नफरत चाहे भले ही एक तबके के खिलाफ फैलाई जाए, लेकिन कैसे वो समाज में सर्वग्रासी हो जाती है, सबके खिलाफ तब्दील हो जाती है, ये एक उदाहरण है। मुझे लगता है कि सियासत के सर्वोच्च शिखर पर जो लोग हैं, जो सत्ता का संचालन कर रहे हैं, उनको स्ट्रांगली ये बात जरूर कहनी चाहिए कि ये नफरत का कारोबार बंद हो। कोरोना के इस दौर में जब सरकार सारी महत्वपूर्ण बातें कर रही है कि भाई समाज को, लोगों को बिल्कुल शांतिपूर्वक रहना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इस समय वन पॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए कि अपने देश को, अपने मुल्क को और आप अपने को कैसे हम कोरोना से बचाएं, लेकिन उस वक्त भी क्या देखा जा रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, चाहे वो मानवाधिकार कार्यकर्ता हों, लेखक हों, बुद्धिजीवी हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों। अभी अखिल गोगोई की एक जगह से वो रिहाई हुई तो दूसरी जगह फिर उनको बंद कर दिया गया। अखिल गोगोई असम के बहुत मशहूर कार्यकर्ता हैं, हमेशा उनको सरकार जेल में ही रखना चाहती है, क्यों वो जाने। एक जमाना था अंग्रेजों के जमाने में कि जब भी कोई स्वाधीनता सेनानी बाहर आता था उसको अंदर कर दिया जाता था, कुछ वैसा ही आज भी चल रहा है। तो अभी क्या हुआ है कि सीए एनआरसी को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, उस दौर में यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लड़कों को और बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनकी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब ऐसे दौर में गिरफ्तारियां हो रही हैं निर्दोष लोगों की। चलो आप कह सकते हो कि निर्दोष कहाँ है जी, हम तो उनको एक्यूज बनाए हुए हैं, ठीक है वो तो बात की बात है, लेकिन कोई आपराधिक करेक्टर उनका कभी नहीं रहा, आपराधिक कोई रिकॉर्ड उनका नहीं रहा। आप उनको जेल में ठूसे जा रहे हो। आप पहले, आप आपको याद ही होगा, हमने आपसे बात भी की थी पहले, तेलतुंबड़े साहब को और तमाम इस तरह के लोगों को आपने, गौतम नवलखा साहब को अंदर किया। लेकिन आप देखिए कि कर्नाटक में रामनगरम एक इलाका है, वहां पर जेल में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वहां पर अब जेल के जो कर्मी हैं उनको भी क्वारंटीन पर भेजा गया है, जांच पड़ताल की जा रही है कि कहीं उनको तो ये संक्रमण नहीं पहुंच गया। तो हमारा कहना है कि देश की जेलें जब असुरक्षित सी हो गई हैं, जब जेलों में ये हालात हैं, दुनिया के कई देशों में जेलों से लोगों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है या लंबी जमानत दी जा रही है, तब अपने देश में निर्दोष लोगों को, बच्चों को, छात्रों को, युवाओं को लगातार गिरफ्तार करके जेलों में भेजा जा रहा है जहां उनकी जिंदगी और असुरक्षित हो जाए। और बिल्कुल अंत में दोस्तों, मैं एक कहानी और कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि इसी दौर में माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे फैसले कर रहा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट तो फैसले करता ही है और उसके फैसले सर माथे पर सबके है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आपको तमाम ऐसे इश्यूज पर तत्काल फैसले करने का समय नहीं मिलता, चाहे वो माइग्रेंट लेबर जो श्रमिक हैं हमारे, मजदूर हैं, उनके घर वापसी का मसला हो उस पर अगर रिट है, या दूसरे और मानवाधिकार के इश्यूज हैं उन पर कोई रिट है, तो उस पर जल्दी कार्रवाई नहीं होती, जल्दी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन अगर कोई विवादास्पद चरित्र अचानक जाता है रात को, अपनी याचिका दायर करता है और सुबह की सुबह तत्काल सुनवाई हो जाती है और जो भी फैसला आता है, हम फैसले पर कोई बात नहीं कह रहे, लेकिन ये जो प्रायोरिटी तय की जाती है वो अद्भुत है, जो हाल के दिनों में एक चैनल के विवादास्पद चीफ को लेकर की गई थी। उस चीफ ने क्या किया था वो अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए पूरा देश जान चुका है। एक तो ये बात कहना चाहता था, और सुप्रीम कोर्ट के ही संदर्भ में एक और खबर बहुत काबिले गौर है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल में एक फैसला किया, और वो फैसला क्या था कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के बीच से ही केवल शिक्षकों की नियुक्ति का एक फैसला जो गवर्नर का था, नोटिफिकेशन था सरकार का, उसको खारिज किया। ठीक है,
खारिज किया। लेकिन साथ में यह भी कहा कि एससी, अब बताइए आदिवासियों का मसला था लेकिन वहां से वो फौरन आ गया कोर्ट, ये इस मसले पर ऑब्जर्वेशन दे दिया कि एससी एसटी और ओबीसी के मामले में, ओबीसी के मामले में पहले से ही क्रीमी लेयर है, कि एससी एसटी के मामले में भी क्रीमी लेयर, तो खैर बात की बात है, वो तो उसका संकेत था, लेकिन ये कहा गया कि उसका फायदा वाजिब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए मैकेनिज्म सरकार को ढूंढना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, इसके लिए फैसला किया जाना चाहिए। इसका मतलब कि क्रीमी लेयर उनके भी बीच से आपको कुछ करना पड़ेगा, इस तरह की बात की गई है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस तरह का कोई किसी संस्था से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई सर्वे कराया कि वाकई लाभ नीचे तक नहीं पहुंच रहा है, वो ट्रिकल डाउन नहीं कर रहा है, आखिर किस आधार पर ये फैसला किया? ये एक गंभीर सवाल है दोस्तों। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कहता है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, अभी कहा गया है। लेकिन जब 10% रिजर्वेशन किया गया था अपर कास्ट के लिए, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बिल्कुल नहीं कहा कि ये कैसे हो गया, 10% हो जाएगा तो 60% रिजर्वेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ कहानियां मैं आपके सामने रखना चाहता था जो देश के आवाम के लिए, देश के सियासत के लिए और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन शब्दों के साथ हफ्ते की बातचीत में आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।